नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतीक। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल। तो भाई, रिसेंटली सेफ कार्स इंडिया इंस्टाग्राम पेज पर एक वीडियो डाला गया था जिसमें एक भाई अपने फोक्सवैगन पोलो से रैश ड्राइविंग कर रहे थे। आप में से बहुत सारे लोगों ने उस वीडियो को देखा होगा, जिन्होंने नहीं देखा वो एक बार पहले ये वीडियो देखें। सबको ऐसा, अरे भेज क्या कर रहा है ये, चलना पीछे देखने को मजा आ रहा है उसको। भाई मैं इतना रैश नहीं चला था। अरे वो रैश ड्राइविंग कर रहा है। कितना रैश ड्राइविंग किया। इस वीडियो में ऊपर लिखा है रैश ड्राइविंग, जो कि यहाँ पर हो भी रहा है। वीडियो देखकर आपको साफ अंदाजा लग रहा होगा, साउथ मुंबई की ये एलिवेटेड रोड जो है उसकी स्पीड लिमिट 80 किलोमीटर पर आ रहा है, लेकिन वहीं गाड़ी की स्पीड करीब 120 के अराउंड होगी, क्योंकि खुद डैश कैम वाली कार 100 के आसपास चल रही है और ये सेंट्रो को ओवरटेक करने के लिए फास्ट लेन में है। अब इसे जो है पोलो गोली की तरह ओवरटेक करके एकदम गायब हो गई। दो गाड़ियों के बीच से एकदम से ये भाई साहब निकले हैं, वो भी लेफ्ट साइड से। अगर थोड़ा सा भी कुछ ऊपर नीचे होता या गलती से गाड़ी अनकंट्रोल हुई होती तो ये खुद के साथ साथ दूसरों को भी खतरे में डाल देते। अब ऐसे वीडियोस को देखने के बाद एक नॉर्मल इंसान जो रोड्स पर सही तरह से गाड़ियां चलाता है वो तो यही कहेगा कि ये रैश ड्राइविंग कर रहे हैं। ऐसा गलत है, पब्लिक रोड्स पर ये चीजें नहीं होनी चाहिए, और लोगों ने बाकायदा बोला भी। लेकिन इस पोस्ट के मेजोरिटी कमेंट्स को अगर हम देखें तो वो बिल्कुल उल्टे हैं। कई सारे भाई लोगों को मजा आ गया है ऐसी ड्राइविंग देखकर, और उनमें से कुछ कमेंट्स आप ये पढ़ भी सकते हैं। कैसे लोग जो हैं वो इस ड्राइवर की तारीफ कर रहे हैं या फिर इनके स्किल्स की तारीफ कर रहे हैं, गाड़ी की तारीफ कर रहे हैं। हालांकि भाई, गाड़ी की तारीफ करना अच्छी बात है क्योंकि ये गाड़ी अच्छी है हर मामले में, लेकिन ड्राइवर की जो तारीफ हो रही है वो गलत है। ये भाई एक तो तेज रफ्तार में है, ऊपर से ये ऑलरेडी राइट साइड से ओवरटेक कर रहे गाड़ी को लेफ्ट साइड से ओवरटेक कर रहे हैं। अब इनकी यहाँ पर स्किल थी कि ये बच गए या क्या था वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन उसी के एक दो दिन पहले का एक और वीडियो मैं आपको दिखा दूं, जो इंस्टाग्राम पेज पर ही मैंने डाला था और ये कई सारे न्यूज चैनल्स में भी शेयर किया गया था। ये एक्सीडेंट मध्य प्रदेश के गुना डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, जिसमें अल्कोहल के इन्फ्लुएंस में दो लड़के अपने स्कोडा स्लाविया को काफी तेज रफ्तार में चला रहे थे, वो भी सिटी के अंदर वाले रोड्स पर। अब एक जगह पर हुआ क्या कि शायद बियर का कैन गाड़ी के ब्रेक पैडल के नीचे आ गया, और बिल्कुल उसी समय सेडान के सामने एक स्कूटी भी थी। अब इस सिचुएशन में ये भाई लोग गाड़ी को कंट्रोल नहीं कर पाए और हाई स्पीड में स्कूटी वालों को टक्कर मार दिया। ये टक्कर इतना ज्यादा भयानक था कि स्कूटी पर जो दो लोग बैठे थे वो काफी दूर तक घिसते हुए गए हैं, और अनफॉर्चुनेटली उन दोनों ही लोगों की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। आप इसका वीडियो पेज पर जाकर देख सकते हैं, बहुत ही ज्यादा भयानक है। और भाई, इस पोस्ट पर आप ये भी देखिएगा, इस पर जितने भी कॉमेंट्स हैं उसमें से 99% लोगों ने इन लड़कों को गलत कहा है जो स्लाविया में बैठे हुए थे। इनफैक्ट लोगों ने तो भर भर के गाली भी दी है। एक तरफ आप लोग ऐसी ड्राइविंग्स को सपोर्ट करते हैं, ड्राइवर्स को चढ़ाते हैं कि वाह भाई क्या गाड़ी है, क्या स्किल है, मजा आ गया, इतने स्पीड में भी संभाल लिए, ये है वो है, दुनिया भर की चीजें। और आप ही लोगों के चढ़ाने की वजह से जब एक्सीडेंट्स होते हैं और दूसरों की जान जाती है, तब उल्टा आप ही लोग आकर उन ड्राइवर्स को गालियां देते हैं कि कैसे चला रहा था, कितने स्पीड में गाड़ी थी, गाड़ी को कंट्रोल नहीं कर पाया, इसको जेल में डाल दो, इसको फांसी दे दो, दुनिया भर की चीजें बोली जाती हैं। खैर भाई, मेरे कहने का मतलब आप समझ गए होंगे कि चीजें एग्जैक्टली कहां से स्टार्ट होती हैं। मैं बहुत ज्यादा इस बारे में नहीं बात करूंगा, लेकिन इसके अलावा मैं एक और बड़ा एग्जांपल आपको दिखाता हूं जो शायद कायदे से आप लोगों की आंखें खोलेगा। ये एक्सीडेंट 7 दिसंबर 2023 को यमुना एक्सप्रेसवे पर ह्यूंडई क्रेटा और एमजी हेक्टर के बीच हुआ था, जिसका लाइव सीसीटीवी फुटेज भी है। हालांकि फुटेज काफी भयानक होने की वजह से इसे पूरा यहां पर शो नहीं किया जा सकता है, लेकिन फिर भी आपको कायदे से चीजें समझ में आ जाएंगी। यहां पर हुआ क्या कि एमजी हेक्टर से 5 फ्रेंड्स यमुना एक्सप्रेसवे से होते हुए जा रहे थे। आप ये इन लोगों की फोटो भी देख सकते हैं जो उसी दिन कुछ घंटे पहले की थी। यहां पर फिलहाल 3 लोग गाड़ी में मौजूद हैं। ये जो गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं उनका नाम सिद्धांत है, और इन्होंने ही एक्सीडेंट के डिटेल्स को शेयर किया है। खैर, यहाँ पर होता क्या है कि कुछ गाड़ियां यमुना एक्सप्रेसवे से एक शादी में शामिल होने के लिए जा रही होती हैं, जिसमें ये एमजी हेक्टर भी होती है और व्हाइट वाली क्रेटा भी होती है। अब एमजी हेक्टर जो है वो बीच वाले लेन में नॉर्मल स्पीड में चल रही है, नॉर्मल स्पीड यानी 100-120 किलोमीटर पर आर के अराउंड, क्योंकि भाई ये एक्सप्रेसवे है जिसकी स्पीड लिमिट जो है वो 120 किलोमीटर पर आर है, तो ये गाड़ियां भी इतने के ही आसपास रही होंगी। खैर, हेक्टर से ये 5 लोग सीधा जा रहे होते हैं और बीच वाले लेन में रहते हैं। तभी इन्हीं के साथ वाले जो क्रेटा वाले लोग होते हैं वो पीछे से डिपर देकर पास मांगते हैं और लेफ्ट साइड से एमजी हेक्टर को ओवरटेक करते हैं। इनके गाड़ी की स्पीड थोड़ी ज्यादा होती है क्योंकि ये ओवरटेक कर रहे होते हैं। अब जैसे ही ये हेक्टर के आगे आते हैं, पता नहीं किस वजह से क्रेटा अचानक से अनकंट्रोल हो जाती है और सड़क पर ही पूरी तरह से घूमकर हेक्टर के लेफ्ट साइड बैक को हिट कर देती है, जिसके इंपैक्ट से ड्राइवर का कंट्रोल स्टीयरिंग पर से छूट जाता है और ये गाड़ी भी सड़क पर स्किड हो जाती है और एकदम से सड़क पर पलटकर कुछ दूर तक घिसते हुए चली जाती है। हालांकि भाई, गाड़ी कई बार
नहीं पलटी है। सिर्फ एक बार ये रोल हुई है। इसका छत नीचे था, पहिया ऊपर और छत की तरफ से ये घिसते हुए गई है। हालांकि भाई इतने में ही काफी ज्यादा भयानक सिचुएशन क्रिएट हुआ है यहाँ पर। एक जो पैसेंजर बैठे हुए थे वो पैनारोमिक सनरूफ के रास्ते बाहर आ गए और सड़क पर ही घिसते हुए चले गए, जबकि दूसरे पैसेंजर विंडो से बाहर निकलकर सड़क पर गिर गए थे। और भाई अनफॉर्चुनेटली इनमें से एक फ्रेंड की तो ऑन द स्पॉट डेथ हो गई, जबकि जो दूसरे वाले थे उनका करीब 8-10 दिनों तक हॉस्पिटल में इलाज चला, उसके बाद उनकी डेथ हो गई। मेरे पास एकदम क्लियर फोटोज हैं एक्सीडेंट के बाद की, लेकिन काफी ज्यादा खतरनाक होने की वजह से उसे यहाँ पर शो नहीं किया जा सकता है। हालांकि आप यहाँ पर एसयूवी की फोटोज देख सकते हैं। इसका छत ऊपर से मुड़कर बिल्कुल अंदर घुस गया है और लेफ्ट साइड वाले पिलर्स भी कुछ हद तक मुड़ गए थे और गाड़ी के सारे विंडोज टूट गए हैं और सनरूफ भी टूट गया है। गाड़ी के राइट साइड वाले एयरबैग्स तो टाइमली ओपन हो गए थे, लेकिन लेफ्ट साइड वाले एयरबैग्स नहीं खुले थे। हालांकि भाई एयरबैग्स भी तभी काम आते जब लोग इसके अंदर होते, बाकी जो लोग गाड़ी में मौजूद थे उनको ज्यादा चोटें नहीं आई हैं, इंक्लूडिंग ड्राइवर। जिन दो लोगों की डेथ हुई वो गाड़ी से बाहर निकल गए थे, इसी वजह से उनको काफी मेजर इंजरीज आ गई थी। तो भाई यहाँ पर क्रेटा के ड्राइवर से इतनी बड़ी गलती कैसे हुई वो तो मैं एग्जैक्टली नहीं बोल सकता, लेकिन जहां तक है कर्व पर हाई स्पीड में होने की वजह से क्रेटा के ड्राइवर गाड़ी को कंट्रोल नहीं कर पाए हैं और ऐसा खतरनाक सिचुएशन क्रिएट हो गया। बाकी इसके अलावा और भी कोई चीज रही हो तो वो मुझे नहीं पता, लेकिन भाई आप इन एक्सीडेंट्स में देख सकते हैं स्किल और बेवकूफी के बीच एक लाइन का फर्क है। जब तक लाइन थी तब तक ये स्किल था, जैसे लाइन हटी ये बेवकूफी हो गया। तो सड़क पर चलते समय ऐसी चीजें आप लोग मत करें और अपने बेवकूफी वाली ड्राइविंग को स्किल मत समझें। बाकी चीजें आपने पूरी देख ही ली, आपको इस पर क्या लगता है कमेंट में जरूर बताएं। इसके अलावा भाई मैं हमेशा ही बोलता रहता हूँ कि पैसेंजर सीट पर बैठने वाले लोगों को भी सीट बेल्ट का यूज करना चाहिए, यानी कि जो पीछे वाले रो में बैठे होते हैं, एटलीस्ट हाईवेज और एक्सप्रेस वेज पर तो करना ही चाहिए, क्योंकि यहाँ पर गाड़ियों की रफ्तार काफी ज्यादा होती है और कई बार ऐसा सिचुएशन क्रिएट होता है कि यहाँ गाड़ियाँ अनकंट्रोल होकर पलट जाती हैं, जैसा आपने इस वीडियो में देखा। तो ऐसे सिचुएशन में एक सीट बेल्ट ही है जो आपको बचा सकता है।